अगर मैं इसमें से एक निकाल के टेस्ट करूँ तो, सो लेट मी टेस्ट। मैं ओह माय गॉड मैं डियर नहीं कर पा रही हूँ। इट टेस्ट लाइक वेरी मच खट्टा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट्स का। टाइटल पढ़ के आप सबको पता चल ही गया होगा। तो मैं आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स की आमला कैंडी के ऊपर और गुड वाइब्स के रोस्टेड मेलन सीड्स। तो गाइस, वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे गुड वाइब्स का रोस्टेड मेलन सीड का जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से रिसीव होता है। ये जो पैकेजिंग, ये पेपर पैकेजिंग में आता है और अंदर आपको यहाँ पे एक जिप लॉक मिलता है। तो आपको इसे यहाँ से टियर करना पड़ेगा और टियर करने के बाद आप इसे जिप लॉक सील करके रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे किसी दूसरे कंटेनर में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गुड वाइब्स रोस्टेड मेलन सीड्स हेयर स्ट्रेंथनिंग सीड्स और 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है। और ये 100% नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं ऐड किए गए हैं। 6 मंथ्स आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी और 199 रुपीज़ इसका MRP है। ये जो मेलन सीड्स हैं इसमें प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स हैं और ये हमारे जो स्पेशली हेयर फॉलिकल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। पहले इसको आपको यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे आपको इसको ऐसे टियर कर लेना है। जब आप इसको टियर करेंगे तो टियर करने के बाद आपको यहाँ पे एक जिप लॉक मिलेगा, आप अच्छे से सील्ड है ये। और जिप लॉक ओपन करने के बाद आपको सीड्स कुछ इस तरह से मिलते हैं कि देखिए, कुछ इस तरीके से आपको सीड्स रिसीव होंगे। 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है और देख सकते हैं आपके यहाँ पे जिप लॉक बना हुआ है, तो आप इसे वापस से सील करके रख सकते हैं। ये रहे इसके सीड्स, आप देख सकते हैं। उप्स, गिर रहा है। अगर मैं इन सीड्स में से 2-3 लेके टेस्ट करूँ तो देख सकते हैं आप, इट टेस्ट रियली गुड, इट्स रियली नाइस। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, इट्स वेरी गुड। आई नो वीडियो में इस तरीके से खाने से कुछ थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट प्रोडक्ट रिव्यू, सो इट्स रियली गुड। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। फॉर मी आई विल गिव इट अ थम्स अप। एंड ये हेयर्स पे कितना वर्क करता है ये तो आपको 1 से 2 महीने के बाद ही पता चलेगा। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट, इट्स रियली गुड। गुड वाइब्स में अपने टी, लेमन सीड्स और जूसेस और ना जाने क्या क्या चीज़ें लॉन्च करी हैं, बट फॉर मी दी सीड्स आर गुड। एंड डेफिनेटली मैं आप 1 से 2 महीने जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं यूज़ करूँगी। और इसका जो भी रिव्यू रहेगा या तो मैं नीचे कमेंट डाउन में लिख दूँगी और या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर दूँगी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये गुड वाइब्स का आमला कैंडी और 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके ये भी बिल्कुल नेचुरल है और इसमें कोई भी कलर एडेड नहीं है। गाइज, इसमें जो आंवला है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे हेयर्स को अच्छा लगता है, हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स इट्स द कैंडी, तो आई डोंट हैव टू टेल यू कि कैसे कैंडी खाते हैं। तो यू कैन ईट एज द वे यू वॉन्ट, बट इट्स जस्ट दैट कि आंवला कैंडी है तो ये हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। कहीं पीछे आपको सारे डिटेल्स, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है, कैसे खाते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। तो अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना शुगर है और कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना आयरन है, कितना विटामिन ए है और कितना विटामिन सी। और इसका जो MRP है वो 140 रुपीज़ है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 12 मंथ्स की है। इसमें आपको आंवला फ्रूट जो है वो 57% मिल जाएगा, उसके बाद जो भी है वो शुगर एडेड है। तो गाइस, इसमें यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं या आपको किसी और चीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं तो आप इसे बिना किसी भी फिजिशियन की कंसल्टेंसी के विदाउट ना यूज़ करें। अगर आप हेल्दी हैं और आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें। प्लस इसके अलावा ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करते कि आपको 100% रिजल्ट देंगे। दीज कैंडीज आर जस्ट फॉर फ्लेवर्स एंड ऑल्सो फॉर लिटिल बिट ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर आप इस पर पूरा बिलीव करेंगे कि आपके हेयर ग्रोथ को संभाल लेगा या फिर उसे इंक्रीज़ कर देगा या हेयर फॉल को रोक देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस प्रोडक्ट पे पूरा 100% बिलीव ना करें, मे बी आपको रिजल्ट्स ना दे, तो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड। गाइस, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ और दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे टियर करना है। ओह माय गॉड मैं डियर नहीं कर पा रही हूँ।
आई कैन नॉट हियर इट। तो आपको इसे ऐसे खोलना है और खोलने के बाद आपको इसे यहाँ से अलग करना है। ये भी एक जिप लॉक पैकेजिंग में आता है और जब आप इसे ओपन करेंगे तो यू कैन सी कि आपको कुछ इस तरह से कैंडीज मिलेंगे यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ तो इसकी एक कैंडी आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। वो इट्स लिटरली आंवला ओनली। ये आंवला को ड्राई करके इधर से कैंडी फॉर्म में डाल के शुगर सिरप में डिप कर दिया है। सीम्स लाइक दैट। यू कैन सी कि आंवला को अगर हम कट करेंगे तो आंवला हमें कुछ इसी शेप में मिलेगा। सो लेट मी टेस्ट। ओके से ओके इट टेस्ट लाइक वेरी मच खट्टा एंड इसमें लिटिल बिट शुगर है, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक कैंडी खा रहे हो। बहुत खट्टा है क्योंकि एक्चुअली आंवला खट्टा ही होता है, बट आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा कि आप कैंडी खा रहे हो। एंड इट्स टेस्टी। आप इसे इजी स्नैक टाइम पे या फिर मॉर्निंग टाइम पे ले सकते हो। आप रात में भी खा सकते हो। मैं आई थिंक दिन में से एक बार खाऊंगी। और क्योंकि आपको इसकी शेल्फ लाइफ एक साल मिलती है तो आप इसे एक साल में इजीली यूज़ कर सकते हो। इट टेस्ट आई नॉट से डिलीशियस बट इट टेस्ट गुड। इसमें खट्टा सा फ्लेवर है प्लस मीठा भी है। आपको खाने इसमें हल्का सा मीठा फ्लेवर है तो आप इसे इजीली खा पाएंगे। गाइज ये थे मेरे दोनों प्रोडक्ट्स एंड आई स्टार्ट ईटिंग देम। अगर आपको इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट डाउन में जरूर करें। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये कैंडीज और ये मेलन सीड्स अगर आप यूज़ कर चुके हैं तो ये आपको कैसे लगे और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। और अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट डाउन जरूर करें। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर दें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो